गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर अध्याय सातवां, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा। इससे पहले मैंने आपको एक रिवीजन के लिए एक लास्ट टॉपिक भेजा था, जो कि जनरेटर पे था, एसी जनरेटर पे। तो वहीं से ये हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा का, और वहीं से हमारा चैप्टर ये स्टार्ट होगा। तो अगर आपने उस वीडियो का अभी नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को सबसे पहले जाके देखें, क्योंकि उसमें कुछ फार्मूले डिराइव किए गए हैं और वो फार्मूले मैं यहाँ पे दोबारा तो डिराइव करके दिखाऊंगा नहीं, तो इसलिए उसको समझने के लिए आप उसे जरूर देखें, इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें। और जिन बच्चों ने देख लिया है तो उन्हें ये सारा कॉन्सेप्ट शुरू से समझ में आएगा। तो चलिए हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, धारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। धारा क्या होता है? आवेशों का प्रवाह। ठीक, आवेशों के प्रवाह को हम बोलते हैं धारा, और उसका मेजरमेंट भी करना हम लोगों ने सीखा था, गणना करना सीखा था कि किसी परिपथ में कितना धारा प्रवाह हो रहा है। तो हमने उसका फार्मूला बनाया था I बराबर क्यू अपॉन टी, मतलब आवेश की दर प्रति सेकंड कितना प्रवाह हो रहा है किसी परिपथ से, उसको हमने क्या कहा? धारा कहा था। आई बराबर क्यू अपॉन टी, इससे हमने मेजरमेंट किया था। ठीक, अब हम जब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की, तो ये क्या है? ये धारा का दरअसल प्रकार है। हमारे मतलब हमारे दैनिक जीवन में दो ही टाइप के हम ज्यादा धाराओं को जानते हैं, एक तो डीसी करंट, दूसरा एसी करंट। दिष्ट धारा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डीसी करंट, और दूसरा एसी करंट का ही हिंदी है प्रत्यावर्ती धारा। तो आम बोलचाल में हम यही दोनों टाइप के करंट को जानते हैं। तो जो ये हमारा पूरा चैप्टर है, ये पूरा बेस्ड है किस पे? प्रत्यावर्ती धारा पे, यानी अल्टरनेट करंट पे, एसी करंट पे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी रिकॉल कर लेते हैं हम थोड़ा सा। हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे हमने चुंबक रखा था, चुंबकीय क्षेत्र रखा था, ये नॉर्थ ये साउथ, इस प्रकार से हमने चुंबक रखा। और इस चुंबक के कारण क्या हो रहा था कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया था कि यहाँ पे हम लोग आर्मेचर रख रहे थे, आर्मेचर यानी कुंडली रख रहे थे जिसको हमें घुमाना है, ये ऐसा एक आर्मेचर हम रख रहे थे जो घूमता है इस चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, और इस आर्मेचर का जो है ये जाके किससे जुड़ा रहता है? स्लिप रिंग से जुड़ा रहता है ऐसे। दूसरा हिस्सा एक दूसरे स्लिप रिंग से ऐसे जुड़ा रहता है। स्लिप रिंग में यहाँ पे कार्बन के ब्रश लगे रहे होते हैं, ये कार्बन के ब्रश, और इस कार्बन के ब्रश कहाँ जाके कनेक्टेड रहते हैं? हमारे लोड से, बल्ब से, फैन से, जो भी हमारा लोड होगा वहां से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, हमें समझना क्या है कि हमें समझना ये है कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है जो उत्पन्न होगा, तो वो क्यों हो रहा है ये हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये जो आर्मेचर है हमारा, जो कुंडली है, इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो जैसे जैसे ये घूमता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। उसी प्रेरित धारा के कारण हमारा यहाँ पे लोड कार्य करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमने बल्ब लगा के रखा है तो हमारा बल्ब जलना शुरू कर देता है। ठीक, तो फिर इसे प्रत्यावर्ती धारा से क्या ये संबंधित है, हमें इसको जानना है। तो होगा क्या कि जब ये धारा, ये जब हमारा कुंडली यानी जो आर्मेचर है यहाँ पे, जब ये मतलब घूमेगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए ये हमारा कोई आर्मेचर है आयताकार का। ठीक, जब हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया ऐसे, ठीक ऐसे प्लेस कर दिया हमने, और इसको जब हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, ये घूमेगा उसमें, तो घूमेगा तो क्या होगा, ये मान के चलिए कि ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा, है ये आयताकार, लेकिन घूमेगा कैसा, एकदम पूरा राउंड बनाएगा, 360 डिग्री घूमेगा ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रहा है, ये ऐसा घूमेगा, डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। यहां पे मान लेते हैं ए पॉइंट है, और यहां पे मान लेते हैं बी पॉइंट है, राइट, ए पॉइंट बी पॉइंट, और ये घूमना स्टार्ट कर देगा।
होगा क्या कि जब ये घूमना स्टार्ट करेगा यहाँ पे, तो ये देखिए, अगर ये ऐसा है, अगर ये अभी ऐसा है, तो ए पॉइंट इधर होगा, बी पॉइंट इधर होगा, और ये जब ऐसे टर्न करेगा, ये जब टर्न करेगा तो ए वाला बिंदु ऊपर जाएगा और बी वाला नीचे आएगा, जाएगा ना। जैसे ही ये घूमना स्टार्ट किया ऐसे, ये मान लीजिए ए अभी इधर है और बी इधर है, तो ये ए जो इधर है हमारा, ये ऊपर उठेगा ऐसे, और बी किधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ऐसे, ठीक। तो ए ऊपर आ गया, अब बी कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, जो धारा का प्रवाह होगा ये ऊपर की ओर होगा, ठीक। ये हाफ साइकिल, आधा साइकिल कंप्लीट होगा, तो ये किधर जाएगा, इधर, ये ऐसा ऐसा प्रवाह होगा इसमें, इस वाले जो हमने यहाँ पे तार लेके यहाँ पे लगाया है, तो इसमें धारा का प्रवाह ऐसा होने लगेगा, क्योंकि ये ऊपर उठ रहा है। और बी हमारा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक। ये बी है, ये ए था, ए ऊपर उठ रहा है, बी नीचे जाएगा, बी जब नीचे गया तो यहां का जो धारा प्रवाह होगा ये नीचे की ओर होने लगेगा, ऐसा ऐसा, ये ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ प्रवाह होने लगा, तो यहां से आधा चक्र तो हमारा कंप्लीट हुआ। क्या ये 360 घूमा, नहीं घूमा ना, अभी कहां घूमा, यहां देखिए ए है, यहां बी है, बी आया नीचे, ए आया ऊपर, 360 घूमा, नहीं घूमा ना, ये आपके तरफ था क्या, नहीं था, ये मेरे तरफ था, तो मेरे तरफ होना चाहिए तब 360 घूमेगा। तो जब हम इसके दूसरे राउंड को घुमाएंगे, फिर हमने क्या कहा, बी अभी कहाँ है, बी अभी ऊपर आ, ए अभी यहां पे आ गया है, यहां पे है, अब बी नीचे है। अब देखिए, जब हमने फिर से इसको घुमाया आधा राउंड, तो बी किधर जाएगा, बी ऊपर जाने लगा, ए नीचे आने लगा। तो इस केस में जो धारा का प्रवाह था वो बदल जाता है, ठीक। यूं गया, ये आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, 360 घूम रहा है, ठीक। तो एक समय क्या था कि ए ऊपर गया और बी नीचे आया, ए ऊपर गया तो इस वाला जो ये दिख रहा है आपको परिपथ, इसमें धारा का प्रवाह ऊपर होने लगा। जब बी नीचे आ रहा था तो बी से कनेक्टेड ये था हमारा ये वाला परिपथ, तो ये इसमें धारा का प्रवाह नीचे की तरफ होने लगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आधे साइकिल में इस तरीके से ऐसा धारा प्रवाह हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। लेकिन जब आधे चक्र में क्या होगा कि जब बी ऊपर जाएगा और ए फिर यहां से नीचे आएगा, तब ये जो डायरेक्शन है हमारी धारा की, ये बदल जाती है। तो बदल के कैसा हो जाएगा, बी जब ऊपर जाएगा तो जैसे बी ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो धारा का प्रवाह फिर इधर जाना स्टार्ट करेगा, तो ये ऐसा ऐसा ऐसे जाने लगेगा। और फिर ए जब नीचे आएगा, बी ऊपर गया तो ए नीचे आएगा, तो इसमें धारा का प्रवाह इसके विपरीत दिशा में ऐसा जाने लगेगा, ऐसा ऐसा, ठीक। तो हम ये चीज इसमें ये देखते हैं कि इसमें आधे चक्र में तो धारा का दिशा कुछ और है, आधे चक्र में धारा का दिशा कुछ और है, उसके जो भी है उसके विपरीत हो जाता है। और चूंकि ये धारा का दिशा बदल जाता है, तो बदलने के कारण ही हम इसको बोलते हैं, और इसमें आधे चक्र समय की भी बात हो रही है, ठीक। तो इसमें जो बदलाव आ रहा है इसके समय के साथ साथ इसके धारा के दिशा में, तो उसी को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि ये बदल जाता है, ठीक। आधे चक्र में कुछ और आधे चक्र में कुछ और, ठीक। इसमें आप थोड़ा सा लिख भी सकते हैं याद करने के लिए, कि मान लीजिए इसमें पूरा कुल चक्र यानी पूरा एक चक्र लगाने में, ठीक। तो कुल चक्र यानी आवर्तकाल कितना है, टी है, एक चक्कर लगाने में इसको टी समय लगता है। तो होता क्या है, जब आधा टी बाई टू जब आधे समय में आधा चक्र में क्या होगा, जब आधा चक्र काटता है, आधा चक्र में ए ऊपर जाएगा और बी किधर आएगा, नीचे आएगा। जब ये ऊपर जाता है और बी नीचे आता है, तो धारा का मान ऊपर और धारा का मान फिर नीचे, तो आधे चक्र में ये पूरा हमारा साइकिल चलेगा, ठीक। फिर आधा चक्र और बच गया हमारा,
तो दूसरे आधे चक्र में, तो फिर क्या लिखेंगे आप, दूसरे आधे चक्र में, दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, ये ए हमारा क्या जाएगा, ए फिर हमारा नीचे आएगा और बी हमारा फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से पूरा हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट होने में। यहां पे पूर्ण चक्र लिख लेते तो ज्यादा अच्छा था, एक पूर्ण चक्र, एक पूर्ण चक्र हमारा टी है, तो आधे समय में ए ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा तो धारा का मान कुछ ऐसा होगा, और फिर दूसरे आधे चक्र में ए जब नीचे आएगा और बी ऊपर जाएगा तो धारा का जो दिशा था वो बदल जाता है। ठीक, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, धारा विपरीत दिशा में होती है। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर करते चलिएगा डाउट्स को अपने। अब देखिए, अगर इसमें हम थोड़ा सा बात करें परिमाण की, परिमाण क्या होगा, कब ये मैक्सिमम होगा, तो देखिए अगर ये पूरा, अगर ये जो हमारा, ये जो हमारा ये कुंडली है ये जब घूमेगा तो इसके क्षेत्र में जितना भी ऐसे यहां से लेकर यहां तक जितना भी इसके संपर्क में चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो वो जो अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वहां पे उतना ही मैक्सिमम वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, या फिर हम कह सकते हैं वहां पे उतना अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक, लेकिन जब ये ऐसा हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक, टेंजेंट बना लेगा, यहां की बात कर रहे हैं, जब ये यहां पे ऐसे घूमेगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जब हम इसकी बात करेंगे मैक्सिमम की, तो अगर यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसा समझने के लिए कि मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक जो ई होगा, ई यानी क्या है, वैद्युत वाहक बल होगा, वो वहां पे मैक्सिमम मिलेगा, सबसे अधिकतम होगा। ठीक, तो एक सिचुएशन में तो ये यहां पे अधिकतम होगा, और फिर जब ये टेंजेंशियल, जब यहां पे ऐसा कुछ गुजरेगा, जब ये समतल हो जा रहा है, देखिए कुछ ऐसा दिख पा रहा है ना, जब ये कुछ ऐसा समतल हो जाएगा एकदम प्लेन ऐसे, तो ऐसे जब ऐसे टर्न लेगा यहां पे क्या हो जाता है, इसका परिमाण जीरो हो जाएगा। जब फिर ये नीचे आता है, जब ये नीचे आएगा तो यहां पे फिर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैद्युत वाहक बल मिलेगा जो कि अपोजिट दिशा में होगा। ठीक, राइट, किस दिशा में होगा, अपोजिट दिशा में होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है हमारा, यहां से लेकर यहां तक ई जीरो है, ई नॉट है, ई नॉट से हम समझ जाते हैं कि ये अधिकतम वैद्युत वाहक बल की बात हो रही है, और यहां पे माइनस ई नॉट मिलेगा। ठीक, और यहां पे फिर अगेन हमें क्या मिलेगा, जब ये ऐसे गुजरेगा टेंजेंशियल, तो अगेन हमको मिलता है जीरो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक पूरे चक्र में हमें दो बार अधिकतम मान मिलता है, जिसे हम बोलते हैं शिखर मान। ठीक, और दो बार हमें क्या मिलेगा, जीरो मिल जाता है। ठीक, तो दो ही बार पूरे चक्र में अधिकतम उसका शिखर मान हमें मिलता है, अधिकतम शिखर मान क्या, वोल्टेज, ठीक, या फिर उसको आप बोल सकते हैं वैद्युत वाहक बल। तो इसको हम लोग ने रिलेशन पढ़ा है, पढ़ा था ना, मान लीजिए इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा बनाते हैं, ऐसा कुछ है ये पूरा हमारा क्या है, ई है, और यहां से यहां तक जितनी इसकी रेडियस होगी उतना ही तो हमें ई नॉट मिलेगा। ठीक, जितना उसका त्रिज्या होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, ई नॉट मिलेगा, और ये जब ये टर्न कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ थीटा पर घूम रहा होगा, कुछ एंगल पे घूम रहा होगा, तो कोणीय वेग का हमने फार्मूला पढ़ा है, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाता है, ओमेगा टी, टी क्या है, समय है, और ओमेगा क्या है, उसका कोणीय वेग है, जितना वो 360 घूमने में समय लेगा उसके, उसका वो वेग है कितना, कोणीय वेग, कोई भी चीज एंगल पे जब घूम रहा है तो उसमें कोणीय वेग आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है। ठीक, तो थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी और एच, तो ई अपॉन ई नॉट हो जाएगा, और यहां से जब हमें E का मान वैल्यू निकालना है, E का परिमाण निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, E नॉट साइन थीटा, E बराबर E नॉट साइन थीटा।
थीटा का मान ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, तो ये आ गया हमारे पास परिमाण किसका, विद्युत वाहक बल का, या फिर इसको बोल सकते हैं वोल्टेज का। ठीक, तो ये रिलेशन आप पहले भी डिराइव कर चुके हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बात की कि धारा का दिशा कैसे बदलता है और उसका परिमाण क्या होता है। ठीक, अब हम अगर थोड़ा सा बात कर लें कि धारा का प्रवाह इसमें कैसा होता है। ठीक, दिशा तो हमने जान लिया, धारा का प्रवाह कैसा होता है। तो देखिए, अगर ये जैसे हमारा कोई पावर हाउस है, पावर हाउस, यहां से हमारा बिजली स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने पावर हाउस से कोई जनरेटर लगा के रखा है और उस जनरेटर ने यहाँ पे फोर्स देगा, उसको ड्रिफ्ट करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगा, अपवाह वेग लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमारे घर तक तार लगा होगा और ये तार फिर आके हमारे घरों में लोड के साथ लगा रहता है, प्रतिरोध के साथ, बल्ब के साथ, टीवी के साथ। और फिर क्या होता है, हमारे पास दो तारे होती हैं, तो हम तारों को क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ठीक, और जो पावर हाउस रहता है वो भी क्या रहता है, अर्थ रहता है। हमें पता है कि जब भी सर्किट कंप्लीट होगा, परिपथ कंप्लीट होगा, तभी धारा का प्रवाह होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, चाहे वो डीसी करंट हो चाहे एसी करंट हो। तो हमें ये जो अर्थ करते हैं वो दिखता तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें क्या होती हैं, अर्थ होती हैं, और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार हमारा धारा का प्रवाह पूरे परिपथ में होता है। ठीक, इसीलिए दो तारे लगी होती हैं, एक तार अर्थ कर देता है। ठीक, इधर से पावर हाउस से भी एक तार रहता है जो अर्थ में जुड़ा रहता है, और इधर से जो आपके घरों में लाइन आता है उसमें भी एक तार अर्थ रहता है, तो ताकि पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए और धारा का प्रवाह अच्छे से हो पाए। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था कि धारा का प्रवाह इसमें होता कैसे है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स सीधी रेखा में तेजी से जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं। तो दरअसल इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो तेजी से सीधी रेखा में जाते नहीं है, ये ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं कि ये तेजी से सीधी रेखा में ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते रहते हैं, ये ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे ऑसिलेट का मतलब दोलन करते रहते हैं। ठीक, दोलन आपने पढ़ा ना, ये हमारा यहाँ पे कुछ है तो ये एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा। ठीक, तो इधर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा हमें, ई नॉट मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, जीरो। तो दो बार हमें मिलता है मैक्सिमम। इस प्रकार से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, हमेशा ऑसिलेट करते रहेंगे ऐसे। अगर ये ऑसिलेट ऐसा कर रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा तो जनरेट होगा ही। तो जब ये इधर जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा विपरीत दिशा में, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और जब इधर जा रहा है तो एक बार हमें ई नॉट मिलेगा जो मैक्सिमम होगा, अधिकतम शिखर मान होगा, और एक बार जब इधर जाएगा विपरीत दिशा में तो हमें क्या मिलेगा, एक बार विपरीत दिशा में माइनस ई नॉट मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो प्रवाह करते हैं ना परिपथ में, वो हमेशा ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि ऐसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं। ठीक, तो आई होप कि आप बात को समझ चुके होंगे। तो यहां भी हम देख सकते हैं, यहां भी दिशा में बदलाव हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिशा में यहां भी बदलाव हो रहा है, इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, तो यही तो है हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज या फिर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो क्या हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लें, डेफिनेशन लिख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो दो चीजें अलग अलग हैं इसमें, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात की गई है और प्रत्यावर्ती धारा की बात की गई है। लेकिन आप जब देखेंगे इसके डेफिनेशन और फार्मूले ना, तो फार्मूले और डेफिनेशन इसके ग्राफ की अगर बात करें तो तीनों चीजें इसके लगभग एक जैसी हैं। तो आप अलग अलग भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन एक ही है दोनों का, तो हम अलग अलग क्यों लिखे, हम एक ही में डेफिनेशन बना के लिख देते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा में वही डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। जब एग्जाम में पूछता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, तब पर भी आप वही डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो चलिए हम एक ही में लिखेंगे दोनों डेफिनेशन को, अथवा करके, अथवा मतलब या प्रत्यावर्ती धारा
अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वोल्टेज या फिर वोल्टता करके ऐसा लिखा जाता है। तो डेफिनेशन दोनों का सेम है, एकदम एग्जैक्ट, अलग अलग हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप ऐसा ऐसा धारा अथवा वोल्टेज, ऐसा धारा अथवा वोल्टेज जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति होती है। बार बार वो रिपीट करेगा, बार बार वही प्रोसेस चलती रहती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। ये है हमारा प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जब हम इसके मान की बात करते हैं तो मान लीजिए t समय पर, किसी क्षण की हम बात करें, t समय पर प्रत्यावर्ती धारा कितना होगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा t। ठीक, t समय पर जब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज की, तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे इस चैप्टर में वोल्टेज की बात करता है, वैद्युत वाहक बल की बात नहीं कर रहा है बल्कि वोल्टेज की बात करता है। तो इसको, इसी रिलेशन को हम E को हम या करके V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किसी बुक में E लिखा है, किसी किसी बुक में V लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है। E की जगह पे आप V लिख देंगे तो ये बन जाएगा वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज के लिए, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही चीज है। ई की जगह बस भी हुआ है, सेम चीज है, कोई चीज बदला नहीं है। ठीक, तो ये है मान प्रत्यावर्ती धारा का और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कितना होता है। यहां पे ई नॉट और ई नॉट या फिर वी नॉट, ये सारी चीजें क्या है। ई नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान मतलब सबसे अधिकतम मान। और वी नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। ठीक, शिखर मान यानी पीक वैल्यू, ई नॉट वी नॉट एक ही चीज है। अब देखिए कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान से आप क्या समझते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। तो शिखर मान वह मान है जब जब कोई हमारी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जब हमारी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसके पूरे एक चक्कर में जो अधिकतम मान दो बार आता है, ठीक, पूरे एक चक्कर में जो अधिकतम मान प्रत्यावर्ती धारा का या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो अधिकतम मान दो बार आता है उस पूरे चक्कर में, उसी को हम बोलते हैं अधिकतम मान को ही
क्या पीक वैल्यू यानी कि शिखर मान। आपको अगर लिखना है तो मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए नोट करके, पूछ लिया जाता है कभी कभार शिखर मान क्या होता है। तो आप लिखिए उसमें कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूमती है तो उसके पूरे एक चक्कर में जो दो बार प्रत्यावर्ती धारा का या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान अधिकतम आता है उसे हम पीक वैल्यू यानी शिखर मान कहते हैं। ठीक, दो बार आता है, देखे थे ना, कहाँ यहाँ पे डायग्राम तो मिटा दिया मैं, एक बार देख रहे थे कि ई नॉट आ रहा था और दूसरी बार विपरीत दिशा में माइनस ई नॉट आ रहा था, तो वो माइनस ई नॉट विपरीत दिशा में, माइनस मतलब विपरीत दिशा को शो कर रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना अधिकतम मान, मैक्सिमम मान, तो दो बार मैक्सिमम मान आता है, तो उसी मैक्सिमम मान को ही हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, और हिंदी में हम उसी को बोलते हैं शिखर मान। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब थोड़ा सा चलिए हम ग्राफ देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करें। ग्राफ भी दोनों का एकदम सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो अगर आपको ग्राफ आता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का बनाने के लिए या फिर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाने के लिए, तो ये इधर क्या रहेगा, इधर समय रहेगा, ये क्या रहेगा, समय। अगर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए आप बना रहे हैं, वोल्टता के लिए बना रहे हैं, तो यहां पे क्या आप दिखाएंगे, ई। और इधर ये अगर प्रत्यावर्ती धारा के लिए बना रहे हैं तो इधर क्या दिखाएंगे, फिर आई। ठीक, ये किसके लिए बना रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। दोनों का ग्राफ एक जैसा है। अगर इस ये पूरा एक चक्कर का जो हमारा समय है, जो हमारा आवर्त काल है, उसको हम मान लेते हैं कितना है, टी है, कितना मान लेते हैं, टी है। ठीक, पूरा एक चक्कर का आवर्त काल हमारा टी है, तो अभी इसको नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं फिर लिखेंगे। तो ये हमने ऐसा ग्राफ बनाया, ये आधा चक्र हुआ, ये उसका पूरा चक्र, और यहां से यहां तक मिलके 360 घूम जाएगा, पूरा एक चक्कर लगाएगा, ये आधा चक्र, फिर ये पूरा चक्र हो गया। ठीक, तो हम देख रहे हैं ग्राफ एकदम एक जैसा चल रहा है, यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, यहां पे हमारा केंद्र है, इसके बाद यहां से यहां जब हम पहुंचे, यहां से यहां का जो मान है हमारा, ये हमारा पूरा E है, ये वाला जो मान मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू, जिसको हम बोल रहे हैं शिखर मान। शिखर मान हमें मिलेगा यहां पे प्रत्यावर्ती वोल्टता का कितना, E नॉट या फिर V नॉट। ठीक, तो यहां से यहां तक गए, तो यहां पे क्या होगा, ये वाला जो हमारा आधा चक्र को दिखा रहा है, यहां से यहां तक हमारा पूरा चक्र मान लीजिए T है, तो यहां से यहां तक आधा चक्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा T बाई टू, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा T बाई फोर। ठीक, फिर यहां पे आप पहुंचे तो यहां पे फिर क्या मान मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा। फिर इधर से गए, फिर यहां पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको विपरीत दिशा में एक बार फिर अधिकतम मान, शिखर मान मिलेगा, जो कि E नॉट होगा, चूंकि ये विपरीत दिशा में है, नीचे है, इसलिए हम क्या दिखाएंगे, माइनस E नॉट। ठीक, तो यहां पे जो हमें मिल रहा है यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3T बाई, ये हो जाता है 3T बाई 4, और ये हमारा T फिर से यहां पे क्या मिलेगा, जीरो। फिर से देखिए, जीरो T कुछ कुछ समय पे क्या मिला, जीरो, जब आप कितना रोटेट किए, T बाई 4, तो वहां पे मिलता है मैक्सिमम अधिकतम मान,
फिर टी बाई टू, जब आधे चक्र में पहुंचे टी बाई टू तो वहां पे जीरो, फिर थ्री टी बाई फोर पे मैक्सिमम मिलेगा अधिकतम मान, और फिर टी पे जब पहुंचे पूरा हमारा पूर्ण चक्कर होगा तो फिर से क्या मिलता है जीरो। यही चीज यहां पे है, जीरो यहां पे क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम धारा आई नॉट, और ये कितना हो जाएगा टी बाई फोर, ये पूरा चक्र हमारा टी का है तो ये आधा चक्र टी बाई टू का होगा, ये टी बाई फोर होगा, ठीक। यहां पे जीरो मिला, फिर से जब आप नीचे विपरीत दिशा में जब वो धारा का प्रवाह होगा तो यहां पे मिलेगा आई नॉट अधिकतम मान पीक वैल्यू फिर से, लेकिन नीचे की ओर है इसलिए माइनस का साइन, तो माइनस ई नॉट मिलेगा, और यहां पे कितने पे मिलेगा ये थ्री टी बाई फोर पे, ठीक। तो ये हुआ हमारा ग्राफ। तो आप इसमें ग्राफ में हमें क्या समझ में आया, ग्राफ में हमें यह समझ में आया कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या फिर प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। आधे चक्र में वो क्या होगा, हमें वो धनात्मक मान मिलता है, धनात्मक शिखर मान मिलेगा, लेकिन आधे चक्र में क्या होता है उसके विपरीत ऋणात्मक मान हमें मिलता है जो कि ऋणात्मक दिशा में रहता है। आधे चक्र में धनात्मक दिशा में और दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक दिशा में होता है। ये ग्राफ से हमें ये समझना है, और इसको अगर चार्ट समझना है तो चार्ट से भी समझ सकते हैं आप। तो ऐसा अगर चार्ट बनाना है तो आपको बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ बना लीजिए ऐसे, ये मान लीजिए समय है, अगर हम बात करें इसका वोल्टता का तो ई, और धारा की मान करें तो आई, ठीक। वोल्टता की और धारा की मान करें तो आई, तो हम क्या देखते हैं एक समय पे हमें क्या मिलेगा ई, जीरो मिलता है, ठीक। और फिर क्या मिलता है हमें, फिर हमें मिलेगा जीरो मिलेगा, तो आई, आई भी एक यहाँ पे जीरो मिलेगा, कब, ये अगर हमारा टाइम टी है जब हमारा जीरो सेकंड है, जब जीरो सेकंड है तो जीरो जीरो, जब हमारा समय कितना हुआ टी बाई फोर, टी बाई फोर हुआ तो ये कितना मिलेगा ई नॉट, और ये मिलेगा आई नॉट। जब हमारा टाइम हुआ टी बाई टू तो यहाँ पे जीरो जीरो, जब हमारा समय हुआ थ्री टी बाई फोर तो यहाँ पे माइनस ई नॉट माइनस आई नॉट, मतलब अधिकतम शिखर मान, तो यहाँ पे एक बार अधिकतम, एक बार अधिकतम यहाँ पे, फिर से जब हमारा टाइम पूरा कंप्लीट हुआ एक चक्कर तो फिर से जीरो जीरो मिल जाता है। तो इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।